नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ तुला लग्न व कन्या राशि के लिए वक्री गुरु का फल। देव गुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 24 को वक्री हो चुके हैं और वो 3 फरवरी 25 तक वक्री रहेंगे। वक्री गुरु का प्रभाव तुला लग्न व कन्या राशि पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। सबसे पहले हम समझें कि तुला लग्न व कन्या राशि का क्या अर्थ है। यह आपकी लग्न कुंडली है, पहले भाव में 7 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका तुला लग्न। चंद्रमा द्वादश में 6 नंबर में बैठा है, इसका अर्थ है आपकी कन्या राशि। यानी आपका कम्बिनेशन अगर तुला लग्न व कन्या राशि का बनता है तो आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। तुला लग्न में वर्तमान में देव गुरु बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, जो अशुभ है। लेकिन जैसे ही वो वक्री होंगे तो सप्तम की तरफ जाएंगे और सप्तम की तरफ जाके उनकी दृष्टि लगन पर और लाभ भाव पर होगी। तो तुला लग्न से वक्री गुरु आपको शुभ फल देने वाले हैं। कन्या राशि से देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां उनका गोचर शुभ है। लेकिन जैसे ही वो वक्री होंगे, वो अष्टम की तरफ जाएंगे, तो अष्टम में वक्री होने के कारण जब उनका गोचर अष्टम की तरफ होगा तो कन्या राशि से वक्री गुरु आपके लिए अशुभ हो जाएंगे। तो तुला लग्न व कन्या राशि हमारे लिए वो कम्बिनेशन है कि तुला लग्न से तो वक्री गुरु शुभ है और कन्या राशि से वक्री गुरु शुभ नहीं है। यानी मामला 50% पे आ गया है। अब हम इसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि लग्न से गुरु शुभ हो रहे हैं और राशि से गुरु अशुभ हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यानी हमें 9 अक्टूबर 24 से 3 फरवरी 25 के बीच में क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। पहली बात करें आपके कैरियर को लेकर। आप तुला लग्न में कन्या राशि के जातक हैं और कैरियर में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, नए अवसर की तलाश में हैं, जॉब में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो जॉब में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ नए अवसर का रीजन ये भी होगा कि आपके मन में जॉब बदलने का रीजन ये भी आएगा, क्योंकि वर्तमान जॉब में आपको परेशानी ऑलरेडी चल रही होगी, क्योंकि तुला लग्न से गुरु अष्टम में रहा है तो उसने वर्तमान जॉब में आपको परेशानी दी होगी, इसलिए आपके मन में विचार आएगा हम क्यों ना जॉब बदलें। उच्च अधिकारी आपसे कुछ नाराज हो सकते हैं, काम की कुछ अधिकता हो सकती है, और अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में किसी प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर 9 अक्टूबर 24 से 3 फरवरी 25 के बीच में अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें संभल के चलिएगा, उसमें कुछ परेशानी हो सकती है। कन्या राशि से सप्तमेश अष्टम की तरफ आएगा तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव, लेकिन इसके साथ साथ तुला लग्न और कन्या राशि के लिए एक अच्छा संकेत कि आमदनी में बढ़ोतरी का संकेत मिल रहा है कि जो आपकी जो वर्तमान इनकम है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का अच्छा समय है। तुला लग्न से गुरु आपके लग्न को देखेंगे, जिसके कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो अपने विवाह के इंतजार में है उनका विवाह तय हो सकता है, और जो दंपति संतान प्लान करना चाहते हैं संतान प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल स्थिति यह है कि लगन से गुरु शुभ फल देने वाले हैं, राशि से गुरु कुछ अशुभ रहेंगे, लेकिन तब भी राशि में गुरु भाग्य बाप में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य बाप का कुछ ना कुछ फल तो देंगे, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। तुला लगन व कन्या राशि से वक्री गुरु 52% तक आपको रिजल्ट देंगे। हाँ, कई बार आपको काम की गति धीमी लगेगी और कामों में कुछ बाधा का अनुभव होगा, और अगर आपको दाम्पत्य जीवन में कोई विशेष प्रॉब्लम आए तो आप 3 गुरुवार किसी भी सुहागन स्त्री को सुहाग सामग्री दान कर सकते हैं। सुहाग सामग्री में लाल रंग की साड़ी, बिंदी, काजल, चूड़ी वगैरह सब ध्यान दे सकते हैं। तो वो 3 गुरुवार लगातार सुहाग सामग्री दान करेंगे तो सुहाग दाम्पत्य जीवन की प्रॉब्लम दूर होगी। और आप हर गुरुवार को पीली वस्तु का दान कर सकते हैं, चने की दाल हो सकती है, हल्दी हो सकती है, पीला कपड़ा हो सकता है। तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ रेमेडी करते रहेंगे तो तुला लग्न व कन्या राशि के लिए वक्री गुरु 52% तक रिजल्ट देने वाले हैं। कैरियर में आपको नए अवसर मिल सकते हैं, क्योंकि आपको नए अवसर की आवश्यकता होगी, क्योंकि तुला लग्न से गुरु अष्टम में चल रहे थे, जिसके कारण आपको कार्यस्थल पर प्रॉब्लम आ रही होगी, और आप इस कोशिश में होंगे कि जैसे ही समय बदले और हम अपना जॉब को बदलें। तो जॉब बदलने का आपके पास समय आ गया है 9 अक्टूबर 24 से 3 फरवरी 25 के बीच में। तो दर्शकों, मेरा वीडियो था कि तुला लग्न व कन्या राशि के लिए वक्री गुरु 52% तक रिजल्ट देने वाले हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।